नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 8 देखेंगे। अब सेक्शन 8 क्या बात करता है, इसमें बताया गया है कि जो सेक्शन 6 है और जो 7 है, ठीक है, धारा 6 और 7 की कोई भी बात सुफा अधिकारों को प्रवर्तित कराने के बादों को लागू नहीं होगी। इसमें पहली बात तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो 6 और 7 है इसके प्रावधान सुफा अधिकारों पर प्रवर्तित कराने के लिए लागू नहीं होंगे। पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात यह है कि जो सेक्शन 8 है वो 6 और 7 का अपवाद भी है, ठीक है, एक्सेप्शन है। अब और ना किसी बाद अथवा आवेदन के परिसीमा काल को निरयोग्यता के अंत से या उससे ग्रस्त व्यक्ति को मृत्यु से 3 वर्ष के अधिक विस्तारित करने वाली समझी जाएगी। इसमें ये बात बता दी है कि पहली बात तो यह है कि 6-7 के उपबंध सुफाधिकारों पर लागू नहीं होगी, और दूसरी बात ये बताता है कि ना किसी बात अथवा आवेदन के परिसीमा काल को निर्योग्यता के अंत से, मतलब जब निर्योग्यता अंत हो जाती वह ख़त्म हो जाती है या उससे ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु से, अगर निर्योग्यता होते हुए व्यक्ति मर जाता है, 3 वर्ष से अधिक विस्तारित करने वाली नहीं समझी जाएगी। मतलब इसमें दो बात बताई गई है कि यदि व्यक्ति मर जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, कोई व्यक्ति है वह निर्योग्यता के होते हुए, उसे कोई निर्योग्यता थी और उसके तहत वह क्या हो जाता है कि वह ख़त्म हो जाता है, तो उसके जो LR को टाइम मिलेगा तो मतलब उसे सिर्फ 3 साल तक का टाइम मिलेगा ऐसा बात के लिए, ठीक है। अब यदि वो मर जाता है निर्योग्यता होते हुए और अथवा इसमें अथवा आवेदन की परिसीमा काल को निर्योग्यता के अंत से, मतलब जैसे ही निर्योग्यता ख़त्म हो जाती है, मतलब वो योग्य हो जाता है, तो उसके बाद भी 3 साल मिलेगा, या उससे ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और 3 वर्ष से अधिक विस्तारित करने वाली ना समझी जाएगी। मतलब चाहे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए ऐसी निर्योग्यता के साथ साथ, और या फिर ऐसी निर्योग्यता ख़त्म हो जाए, इन दोनों ही कंडीशन में अगर उसको टाइम मिलेगा तो कितना टाइम मिलेगा, ऐसे वाद के लिए उसे सिर्फ 3 साल ही दिए जाएंगे, इससे किसी भी सीमा में उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही।